हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट लखीमपुर खीरी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सिक्स्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे वर्नर्स थ्योरी। इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पांच पार्ट्स में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो पिछले पांच पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें सारे वीडियो सीक्वेंस से लगे हुए हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो उन पिछले वीडियोज को जरूर देख लें, जिससे कि आपको आगे की जो थ्योरीज हैं वो आपको अच्छे से समझ आ पाएंगी। तो चलिए हम लोग आज अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्नर्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, क्योंकि ये एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। और इनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नर है, ठीक है, अल्फ्रेड बर्नर। इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। देखिए, बर्नर मिक्स्ड सिंपल सॉल्ट प्लस कॉम्प्लेक्स प्लस सिंपल मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक सिंपल सॉल्ट दिया। अब आप सोचेंगे कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है, तो सिंपल सॉल्ट हमने सबसे पहले वीडियो में ही आपको बताया था, जो मेरा पहला लेक्चर है उसी लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एनायनिक पार्ट और एक कैटायनिक पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल सॉल्ट, ठीक है, प्लस सिंपल मॉलिक्यूल। इन्होंने एक सिंपल सॉल्ट दिया, एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया और जब उसको मिक्स किया तो वहां पर एक कंपाउंड बनना था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनना था, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना बन करके एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गए और आपके सामने ये थ्योरी आ गई, ठीक है। और ये खेल हुआ था बर्नर के साथ, इस वजह से इस थ्योरी का नाम है बर्नर्स थ्योरी, ठीक है। इन जनरल होता क्या है, इन जनरल होता है कि एक ही प्रोडक्ट हमें मिलता है, एक ही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से ये थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई। इन्होंने कौन कौन से सॉल्ट लिए थे, आइए देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले सिंपल सॉल्ट लिया COCl3 और उसको मिक्स किया अमोनिया के साथ में, अमोनिया के साथ में COCl3 को मिक्स किया, और जब मिक्स किया तो इनको एक कंपाउंड ना मिलकर के बल्कि चार कंपाउंड मिल गए, ठीक है, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3। ये चार कंपाउंड इनको मिले और यही चार कंपाउंड के बारे में हमें पूरी स्टडी करनी है इस थ्योरी में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि ये चार कंपाउंड क्यों आए, ऐसा क्या रीजन था कि ये चार कंपाउंड है, ऐसा क्यों हुआ, ये जो क्वेश्चन है वाई का, ये क्यों हुआ ऐसा। ऐसा इसलिए हुआ, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास दो टाइप की बैलेंसीज होती है, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी बैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैलेंसी। पहली होती है प्राइमरी बैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैलेंसी। इन्हीं बैलेंसीज की वजह से ये चार कंपाउंड्स बन गए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी बैलेंसी में और सेकेंडरी बैलेंसी में, डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्राइमरी बैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं,
प्राइमरी वैलेंसी को उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने सिखाया था आपको कि दो बॉक्स बनाइए और बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, तो इन्हीं के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, ठीक है। अगर आपने ये भी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिए, इंतजार किस बात का। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करती है, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव लिगेंड्स। यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड्स इसलिए क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड्स से सेटिस्फाई होती नहीं है, ये या तो नेगेटिव लिगेंड्स या तो पॉजिटिव लिगेंड्स, जबकि पॉजिटिव लिगेंड्स आपके सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा काम चल सके, ठीक है ना, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे लिए, हमारे बोर्ड्स के लिए काम का हो, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम का हो। हमें किसी भी टॉपिक पर पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके या हमारा बोर्ड में हमको अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। तो इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी देखते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या देखेंगे इसमें, सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है, या तो निगेटिव लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड्स। यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो न्यूट्रल लिगेंड्स को सबसे पहले दी जाती है एंड देन निगेटिव लिगेंड्स आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक एक कंपाउंड की स्टडी करेंगे। देखो एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए जो नीचे पॉइंट में मेंशन में की गई है, CO जो होता है कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है जनरली, ठीक है। और जितनी ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका जस्ट डबल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन नंबर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि जितने ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जितने ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर जब इसको हम मिक्स करते हैं, जैसे ये कंपाउंड जब है, जब इसको हम एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे तो जो कोबाल्ट है इसके पास +6 यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये, तो ये प्रेफरेंस देता है न्यूट्रल लिगेंड्स को सबसे पहले, यानी जो अपने पहले बॉन्ड ये बनाएगा वो न्यूट्रल लिगेंड्स के पास के साथ बनाएगा। अगर इसके 6 के 6 और न्यूट्रल लिगेंड्स मिल जाते हैं तो ये फिर निगेटिव लिगेंड्स को आने नहीं देगा, लेकिन अगर इसके पास 5 न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और एक जगह खाली है तो ये फिर ये निगेटिव लिगेंड्स को एंट्री देता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए जिससे कि हम लोग आगे के पॉइंट्स को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं ये स्लाइड बाद में आएगी, ये देखिए। सबसे पहले जो आपका कंपाउंड बना था नंबर 1 COCl3.6NH3, अब इसको जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो इसको कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया देखिए। हमने आपको पहले ही बताया कि ये 6 बॉन्ड इसके पास बनेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर है टोटल 6 ये और 3 ये 9, जबकि ये न्यूट्रल लिगेंड्स है और ये निगेटिव लिगेंड्स है, ठीक है। तो ये सबसे पहले प्रेफरेंस इसको देगा क्योंकि इसके पास 6 वैलेंसी हैं और यहाँ पर 6 ही ये निगेटिव न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो ये कोबाल्ट अपने सारे बॉन्ड इसी से बना लेगा। देखिए CO NH3 का होल 6, ठीक है, और यहाँ पर Cl3 बाहर हो जाएंगे। जो भी इसके साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा, यानी CO के साथ जो भी डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा वो यहाँ पर इस तरीके से सॉलिड लाइंस को से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये सारी सॉलिड लाइंस है, और जो बाहर हैं, ठीक है, जिनके साथ ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाता है उनको कहीं पर भी इसको इस तरीके से, जैसे ये सारे बॉन्ड्स यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बॉक्स में बंद कर देंगे इसको, और कहीं पर भी जैसे यहाँ पर एक CL लगा दिया,
एक Cl यहाँ पर लगा दिया, एक Cl यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये कहीं पर भी हम लोग Cl लगा सकते हैं और इनको हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिनके साथ ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाएगा उसको हम लोग इसके साथ बनाएंगे। अच्छा, रिएक्शंस, एक रिएक्शन जो ऊपर रह गई है उसको देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन में क्या है, CONH3 का होल 6 Cl3 प्लस H2O। जब इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, जब ब्रेक होता है तो ये अपने आयन्स में ब्रेक होता है, तो यहाँ पर प्लस 3 और यहाँ पर 3 Cl माइनस है, ठीक है, Cl माइनस। अब यहाँ पर टोटल आयन्स कितने हैं, 4 आयन्स बने, 3 आयन ये हैं और इन 3 पर ये एक आयन, ठीक है, तो यहाँ पर हो गए 3 and 1, 4। टोटल आयन्स कितने हैं, 4 आयन्स बने हैं, ठीक है, टोटल आयन्स हैं 4। अब यहाँ पर कैटायन्स कितने हैं, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, प्लस 3, और यहाँ पर एनायन कितना है, एनायन है 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि टोटल कैटायन कितने फॉर्म हुए हैं, 3, टोटल एनायन कितने फॉर्म हुए हैं, 1, और ओवरऑल आयन कितने बने हैं, टोटल आयन कितना है यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मिला करके कितना है, विच इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है आप वो समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आपको फाइनली इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं जब ये कैसे बनता है। ये देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपके बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है। चलिए अगला कंपाउंड के बारे में देखते हैं। अगला कंपाउंड एक चीज और देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें क्या है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, ठीक है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, उसमें आयन आयनाइजेबल नहीं होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी का कोई भी रोल जियोमेट्री में नहीं होता, प्राइमरी वैलेंसी हैज नो रोल इन द जियोमेट्री, बट सेकेंडरी वैलेंसी का जियोमेट्री में रोल होता है, वही जियोमेट्री को निर्धारित करती है कि इसका जियोमेट्री क्या होगा, ठीक है। एंड जो मैंने आपको पहले बताया प्राइमरी वैलेंसी डैश लाइन से रिप्रेजेंट करती है और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग वहां पर इसको लिख पाए। बर्नर्स का अगला कंपाउंड क्या था, विच इज COCl3.5H2O। जब इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये 6 बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड तो ये न्यूट्रल के साथ बनाएगा जबकि एक बॉन्ड ये Cl3 के साथ बनाएगा, ठीक, Cl के साथ बनाएगा और बाकी के दो कंपाउंड बाहर रहेंगे। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखिए ये यहाँ पर एक सॉलिड और ये डॉट लाइन से दिखाया गया है, ठीक है, और ये बाकी सारे डॉटेड है, ठीक है। ये आप लोग कंपाउंड के बारे में देख लिया, और रिएक्शन इसकी क्या होगी किस तरीके से, तो रिएक्शन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर टोटल आयन कितने फॉर्म होंगे, 3, टोटल 3 आयन्स, 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है, ठीक है। अब ऊपर जो हमने देखा था तो वहां पर हमको 4 आयन्स मिले थे, यहाँ पर कितने मिले हैं, 3 आयन्स मिले हैं, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आयन्स कम होते चले जाएंगे, ठीक है। अब अगला कंपाउंड देखेंगे COCl3.4NH3। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 NH3 बचे हैं, ठीक है, और टोटल 6 बॉन्ड कोबाल्ट को बनाने हैं, तो 4 यहाँ से और 2 Cl से, ठीक है। अब एक Cl बाहर बचा, ठीक है, एक Cl बाहर रह गया। अब देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया, 2 Cl यहाँ पर, देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 तो बॉन्ड बन गए किसके साथ, Cl3 के साथ, NH3 के साथ, और 5वां बॉन्ड यहाँ से बना और 6ठा बॉन्ड ये बना, ठीक है, और एक जो Cl है वो बाहर रहेगा अभी, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगी। देखिए ये कंपाउंड हमारा था, वाटर में डाला, ये यहाँ से एक आयन यहाँ से आया और एक आयन यहाँ पर है, ठीक है, निगेटिव, तो टोटल हो गया कितने, 2 आयन्स फॉर्म हुए हमारे पास, टोटल 2 आयन्स हमारे साथ बन गए। अगला कंपाउंड जो है विच इज COCl3.3NH3 को जब हम लोग वाटर में डालेंगे, जब हम लोग मिक्स करेंगे तो देखेंगे, तो 3 बॉन्ड तो ये Cl3 के साथ बनाएगा, NH3 के साथ बनाएगा और 3 बॉन्ड ये Cl के साथ बनाएगा, ठीक है, तो टोटल हो गए कितने, 1, 2 और 3, 3 बॉन्ड तो इसने बनाए NH3 के साथ और 3 बॉन्ड बनाएगा ये आपके Cl के साथ, तो टोटल कितने हो गए, 6 बॉन्ड। तो अब कोई भी कंपाउंड बाहर खाली नहीं रह गया,
तो इस वजह से ये कितने बने थे टोटल, चार। और यहाँ पर जो आयन्स होगा वो जीरो हो गए, कोई भी, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो कंपाउंड है वो जो टोटल बॉन्ड सीएल आयन है वो अब बाहर कोई भी नहीं रह गया, इस वजह से अब यहाँ पर कोई भी आयन नहीं बनेगा, सारे के सारे आयन खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये बचेगा जीरो आयन। तो अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कैसे रिलेशन है इनके साथ, जितने ज़्यादा आयन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ आयन्स, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स। अभी अभी हम ऊपर देख करके आ रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखा था चार आयन्स थे, फिर तीन आयन, फिर दो आयन और फिर जीरो आयन। तो सबसे ज्यादा आयन है यहाँ पर, ये देखिए 6NH3। देखिए इसका एक छोटा सा रूल है, अगर आप लोग याद रख पाए तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सा रूल है इसका, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा रूल है, रूल क्या है कि जो ऊपर के तीन हैं इनसे आप माइनस टू कर दीजिए, जो ये 6, 5, 4 लिखा हुआ है इससे आप माइनस टू कर दीजिए, आपको आयन्स पता चल जाएंगे, ठीक है। इनके साथ अगर 6 के माइनस टू करेंगे तो 4 आता है, 5 के साथ माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 4 के साथ माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और लास्ट वाले में आप माइनस 3 कर दीजिए, लास्ट वाले में माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा, 3 माइनस 3 0, ठीक है। ये आपके आयन्स आ गए, ठीक है, ये क्या है, आयन्स आ जाते हैं, और जैसे ये आयन्स आएंगे आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा CO Cl3.6NH3 में होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसमें होगी, फिर 5NH3 वाले में, फिर 4NH3 में और फिर 3NH3 में, ठीक है। आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं, देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, सिंपल तरीका है याद रखने का, 4 आयन्स 3 आयन्स 2 आयन्स एंड 0 आयन्स एंड आंसर इसका देख लीजिए, सबसे ज़्यादा 1 फिर 2 फिर 3 एंड देन लास्ट इज 4, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी आप लोग कंपाउंड्स देख रहे थे कि जैसे कोई भी कंपाउंड बना और लास्ट में उसके Cl3 या Cl2 या सिर्फ Cl ये बाहर रह गया, ठीक है, ये क्या करता है, ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है। अब वो डिपेंड करता है कि बाहर आपका हैलोजन किस टाइप का है, अगर Cl है, Br है, I है, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, किस टाइप का ये हैलोजन है, उसी तरीके से PPT आपसे, आपको शो होगी और आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा हैलोजन है। जैसे आपको बताया जाएगा कि वाइट PPT हमने जब AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो वाइट PPT आया, तो इसका मतलब जो हैलोजन हमने लिया है वो क्लोरीन है। अगर लाइट येलो PPT आई तो इसका मतलब जो हैलोजन हमने लिया है वो ब्रोमीन है, अगर डार्क येलो PPT आती है तो इसका मतलब वो हैलोजन आयोडीन है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग फॉर SO4 की कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पर बाहर जो होता है जो हैलोजन को हटा करके SO4 लगा देते हैं तो, और जब हम लोग ट्रीट कराएंगे BaCl2 के साथ ऐड कराएंगे तो हमको वाइट PPT मिलेगी इन केस ऑफ BaSO4, ठीक है। चलिए सेकंड दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए किस तरीके से होते हैं। अच्छा, लास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑन एडिंग टू एक्सेस AgNO3, AgNO3 को जब हम लोग एक्सेस करेंगे उन चारों कंपाउंड्स के ऊपर तो किस कंपाउंड में कितने मोल प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड कितने मोल देगा। अब जैसे यहाँ पर हमने आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता दी थी कि इन तीन ऊपर के आयन से क्या करिए, माइनस टू कर दीजिए और नीचे वाले से माइनस थ्री कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ आयन्स पता चल जाएंगे, जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये 3 है,
ठीक है। तो जब ये थ्री क्या करेगा, AgNO3 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये और ये आपस में मिलेगा तो ये बन जाएगा 3 moles of AgCl, ये 2 मिलेगा तो ये बन जाएगा 2 AgCl, ये 1 तो ये 1 AgCl, यहाँ पर कोई भी AgCl नहीं होगा। बस सिंपल सा यही आपको बताना था कि किस कंपाउंड में कितने AgCl बनेंगे। तो सबसे पहले मैं 3, 2, 1 and 0, ठीक है, इस तरीके से आपके प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। तो ये आपकी फाइनली था बर्नर्स थ्योरी की ओवरऑल लेक्चर। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, सबसे सिंपल तरीके से आपको मैंने समझा दिया है, इससे सिंपलेस्ट तरीका आई डोंट थिंक कि कोई होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से और सबसे सिंपल स्लाइड्स के जरिए मैंने आपको ये समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उस डाउट को आपके नेक्स्ट स्लाइड में ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखेंगे। बहुत जल्द आपको कल या परसों तक आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि। और अभी टर्म 2 में आप लोगों के पेपर भी हैं तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सबको इस समय रिविज़न की ज़रूरत है। और जल्द से जल्द इस चैनल पर सबसे तेज और सबसे अच्छे नोट्स के साथ वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।